नमस्कार अपराह्न प्राइम को स्वागत करीमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे टंका नदेबारु ट्रक ड्राइवर उपरे पुलिस दबंगिरी अभियोग बीच रास्तारे पिटिला मालगोदाम थाना पुलिस भाइराल हेला जुक्ति तर्कर भिडियो जुलम विरोध में थाना अधिकारी भेटिले ओडिशा ड्राइवर महासंघर सदस्य चिंता बढ़ेला कोरोनार नुआ स्ट्रेन दक्षिण आफ्रिका हांगकांग और बोस्वानारु आसुथिले संगरोधरे रहिबे अति कमरे 10 दिन क्वारंटाइन रहिबाकु निर्देश डीएमईटी को सूचना बीजेडी शासन ने महिला विपदरे सरकार को उपरे बरसिले समीर महांती कहले सांसद अपराजिता षडंगी को आक्रमण घटना निंदनीय ममिता पाई छेड़ा होइछि सारा ओडिशा बीजेडी एते असहिष्णु काहेकि संबलपुर बामरा ब्लॉक प्रशासन अमानवीय कार्य साहाज्य पाई तहसीलदार मना करिबारु घुसुड़ी घुसुड़ी उपजिलापाल को भेटिले असहाय विधवा महिला तहसीलदार को कार्यशैली को नहीं उठला प्रश्न लोकों जीवन सह खेल खेलुंट राज्य सरकार रोगी को दि जाऊँगी एक्सपायरी मेडिसिन स्वास्थ्य विभाग चिठीर आसला सांघातिक सत एक्सपायरी मेडिसिन न देवाक सबु डाक्तरखाना महाविद्यालय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी निर्देश आज संविधान दिवस पालुची देश संसद में देशवासी प्रधानमंत्री संबोधन कहले राजनीति में दुर्नीति लोकतंत्र विपद आज आंबेडकर और राजेन्द्र प्रसाद को नमन करिवार दिन 26/11 शहीद को भी कले सलाम ट्रक ड्राइवर उपरे पुलिस दबंगिरी बीच रास्तारे बिना कारण रे माड़ अभियोग जुक्ति तर्कर वीडियो हेला वायरल पुलिस जुलम विरोध में मालगोदाम थाना अधिकारी भेटिले ओडिशा ड्राइवर महासंघर कर्मकर्ता मालगोदाम थाना पुलिस जने ट्रक चालक को बीच रास्तारे माड़ मारी लहू लुहाण करिथिबा अभियोग आसी ट्रक ड्राइवर का अभियोग अनुसार मालगोदाम ओवरब्रिज निकटे छत्तीसगढ़ जने ड्राइवर डालीनी मालगोदाम को आसते मालगोदाम को प्रवेश समय पुलिस टंका मागिथिला हेले से नदेबारु प्रथमे जुक्ति तर्क और परे ताकु माड़ मारी लहू लुहाण करी मोबाइल भांगी देथिले जने पुलिस तेबे बड़ कथा होउछि पुलिस निजर भूल स्वीकार करने सहित गाड़ी ड्राइवर को चिकित्सा करने भांगी मोबाइल बाबद को टंका देवा प्रतिश्रुति जार प्रतिवादे आज ओडिशा ड्राइवर महासंघर कर्मकर्ता माने मालगोदाम थानाधिकारी भेटी संघर प्राय 30-40 कर्मचारी थाना अधिकारी भेटी पुलिस पक्षर कर जुलम को विरोध कर संघर कर्मकर्ता अभियोग जदि कौन ट्रक ड्राइवर किंवा कर्मचारी भूल करते आईन अनुसार दंडित कराऊ कि बीच रास्तार से माड़ मारी अपमानित क्या मैंने कोई गलती किया? नागपुर से सुबह शाम के टाइम में आया सुबह सुबह आया था 4 बजे तब क्या हुआ उसके बाद गाड़ी रोका और अपने को रोक के पैसे मंगा तो पैसे नहीं दिया मैंने तो मेरे को गाड़ी से नीचे उतरा तो एक डंडा मारा था मोबाइल अंदर में क्या हुआ तोड़ दिए मोबाइल में क्या कर रहे थे आप मोबाइल में वीडियो शूटिंग कर रहा था तो शूटिंग करने के बाद वो तोड़ दिए मोबाइल हाँ छत्तीसगढ़ रोड गाड़ी आसला ताकि पुलिस वाला नो एंट्री कही बटी मांगिले मालगोदाम ब्रिज ऊपर बटी नदेला मोबाइल भांगिले बहुत मारी से कहते आम जहाँ मारीचु ताकि आम ठीक करूँ डक्टर ना डक्टर को देखू डक्टर को भल होगा तापर तार जो मोबाइल भांगी आम 4,000 टाँग देवु ये फाइनाल करदेबु थाना भितर आमर दाबी आज्ञा आम महासंघ को कमी इज्जत दि जाऊ आम ड्राइवर मान को कमी सम्मान दि जाऊ आम भाई मान को मार्चर किसी बहन करा जाऊ न्यायर लड़े आउ जणे मां निर्धूम पिटिले बीजेडी नेता पुलिस नेगला थाना को हाजत रे चली गला जीवन रंगेलुंडा ब्लॉक उपाध्यक्ष तथा बीजेडी नेता अजित दास को नारे गणेश को मां आनी अभियोग गोलथरा गणेश डाकुआ मृत्यु मामलें बाटमणा तदंत काहीकि एफआईआर होना बोली नोटिस कले हाइकोर्ट गणेश डाकुआ मृत्यु को नहीं एवं अनेक असमाहित प्रश्न आउ सन्देह करे पुलिस भूमिका पुआ मुआ पाई
न्यायर लड़े आउ जो मा निर्धुम पिटिले बीजेडी नेता पुलिस नहीं गला थाना को आके दी भाई पुलिस ही सब मिसिक पिला को सात रात आठटा बेल पिला ना हाजत रे चली गला जीवन शासक दल नेता बोली हेला नहीं कि एक्शन गोलंथरा गणेश डाकुआ मृत्यु मामलें बाटबणा तदंत काहीक एफआईआर होना बोली नोटिस कले हाइकोर्ट ब्रह्मपुर गोलंथरा थाना अंचल ए माँ हर भेंडिया पु को आखिर सुखुनि लुह बाहुनि बाहुनि कांदुची पुओ को झुलुची संगीन अभियोग आणुची रंगेलुंडा ब्लॉक उपाध्यक्ष तथा बीजेडी नेता अजित दास को नारे पूरा घटना उपरे नजर पकाइबा घटना मे 3 तारिखर अभियोग अनुसार गणेश पोखरी को जाइतबा बेले रंगेलुंडा ब्लॉक उपाध्यक्ष अजित दास को सान भाई तांको इटा भाटी को नहीं आक्रमण करथिले परे अजित आसी घर डाकि नै आक्रमण करले चिकित्सा करने को कही मेडिकल परिवर्ते पुलिस गणेश को थाना को आनी हाजत में रखिला चिकित्सा न करिबारु गणेश को मृत्यु होगला रातारा पोस्टमार्टम भी करदेला पुलिस तदंत होगला बाटवाड़ा एवं पुलिस विरोध में सांघातिक अभियोग आनी गणेश कमा मुझे मैट जाक देखा पुलिस की पुलिस जाक सब मैट देखे कि मेडिकल जी आम गणेश चार ये सब कहीं काड़ू आ मेडिकल जावा बोली कहले मेडिकल न जा तुम थाना ने थाना को नल तीन बेलू घर नल थाना आगे अच्छी पिला तापर छा बेलू अजित दास कहला आउ भाईना घर को जी मुली कहार सी कहला जे हाँ हाँ जी था था बोली कहले आके दी भाई पुलिस सब मिसिक पिला को सात अधे आठटा बेलू पिला ना भाईर मृत्यु पर भाईर न्याय पाइबापी आम गोलंथरा थाना एफआईआर देखु एफआईआर के ग्रहण कले ना एसपी ऑफिस द्वारस्थ होती डीआईजी ऑफिस भी मझे आम द्वारस्थ होती से तदंत खाली करेंगे कौन सीना कौन सी न्याय दौना गवर्नर हाउस को भी जाइलु राज्यपाल भेटापी से भी आम देचु एफआईआर मान दाबी करे सीबीआई तदंत कर न्याय आमको दि जाऊ कहीकि आउ जो माने भी एथिरे अच्छा आसामी माने से उचित दंड पाऊ आउ कड़ा सजा दिया जाऊ पुलिस कहछि गणेश बेल्ट रे झुली आत्महत्या करछि तबे प्रश्न उठुछि काहे कि आत्महत्या कला गणेश ना हत्या को आत्महत्यार रूप दिया जाइछि अजित दास गणेश को माड मारा जाइथिबा अभिजोग सतना नहि ए दिगरे पुलिस तदंत करिछि कि परिवार रो अभियोग आधार रे कहीं के एफआईआर होई नहीं बीजेडी नेता को बंचेबा पाई हत्या को दिया जाय छी कि आत्महत्यार रूप एने हाईकोर्ट रे एक मिसकेस फाइल होता हाईकोर्ट कहीं के एफआईआर होई नहीं बोली पुलिस को कारण दर्शा नोटिस जारी करछंती सेपटे ब्रह्मपुर एसपी कहिछंती गणेश को मां तांकू किछ अभियोग करनाहती रंगेलुंडा ब्लॉक उपाध्यक्ष समस्त अभियोग को खंडन करछंती ना एवं से अभियोग करूँ मो पक्ष तो अभियोग एपर्तंत करना किंतु से समय से किसी अभियोग कर नथिले जोटा आम इनक्वायरी रे माने आम पाइल से अनुसार ही से केस को प्रोसीड करागला एवं जो तो कहली इम्पोर्टेंट कथा हूँ आम जुडिशियल इनक्वायरी लिखिथिलु एस डी जेएम जाकर जुडिशियल इनक्वायरी करछन्ते एवं रिपोर्ट ही ऑलरेडी सबमिट करछन्ते जाकु डिफरेंट क्वार्टर्स को पठाई दिया जाय गणेश डाकुआ को मृत्यु को नहीं एवं अनेक असमाहित प्रश्न और संदेह घेरें पुलिस भूमिका ब्रह्मपुर कैमरामैन शुभेन्दु पीतांबर नाहकों रिपोर्ट अर्गस न्यूज मंचरी कार्ड तले टंका बंटा बालेश्वर बिजेडी रो टंका दिया कर्मी आज बालेश्वर गस्तरे जाइथले मुख्यमंत्री अवसर थिला स्वास्थ्य बीमा कार्ड बंटन कार्यक्रम रो तबे किछि कर्मी को टंका दे भडारे दूर दूरांतर रो अणा जाइथिबा अभिजोग होइछि सभास्थली को आसीथिबा महिला को कर्मी माने टंका बांटुथिबार देखिबा को मिलिछि
ଶୁଣିଲାନି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଘୁଷୁଡ଼ି ଘୁଷୁଡ଼ି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଅସହାୟ ବିଧବା ମହିଳା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ବାମରା ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର। ଅସହାୟ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ଗୋମତୀ ନାୟକ। କିଛି ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ହାଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆବଶ୍ୟକ ହେବାରୁ ବାମରା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତହସିଲଦାର କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିହେବ ନାହିଁ କହି କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କହି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତହସିଲଦାର କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅସହାୟ ଥିଲେ? ମହିଳାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ କି? ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରେଡ୍କ୍ରସରୁ ଅର୍ଥ ଦେବା ସହିତ ଜାତୀୟ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ସହ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ତ କେହି ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ, ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅ ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ, ହେଲେ ମୋତେ ଗଲୁଙ୍କ ସେଠାନ ପଶିଲା ଆମେ ଯେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ କହିକିରି କହିଲୁ ବୋଲେ କହିଲେ କି ନେଇ ଯାଅ କୁଚିଣ୍ଡା ବୋଲିକିରି କହିଲେ ବୋଲେ ଆସିଛି। ବୋଲେ କେନ୍ତା କରବ, ଚଲୁଛ କେନ୍ତା, ଖାଉଛ କେନ୍ତା? ପାଞ୍ଚ କେ ଜି ଚଲୁଛି, ଯାହାକେ ଯେନ୍ତା ମାଂସି ପାଖକେ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଟଙ୍କା ବର୍ଷିକିରି ବୋଲେ ଦଶ ବୋଲେ କେମିତି ଚାହା ଟିକେ। ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଗୋମତୀ ନାୟକ। ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ମାସେ ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ବି କିଛି ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅପରେସନ୍ ବି ଅଭାବ ଅଛି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ଯେ କିଛି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ଟା ବି କିଛି କରିପାରିବୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଆଶା ଧରୁଛୁ। ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଭାଇରସ୍ର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ହଂକଂ ଓ ବୋତ୍ସୁଆନା ଭଳି ଦେଶରୁ ଫେରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଆଡ୍ଭାଇଜରୀ। ଏସବୁ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅତି କମ୍ରେ 10 ଦିନ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ନୂଆ କରୋନା ଭେରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା। 3ଟି ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ବୋତ୍ସୁଆନା ଓ ହଂକଂରୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବେ। ଟେଷ୍ଟିଂରେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲେ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରଜାତି ରହିବ ଯାଞ୍ଚ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଏଟି। ଆଜି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳୁଛି ଦେଶ। ଏହି ଅବସରରେ ସଂସଦରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ, କହିଲେ ଆମ୍ବେଦକର ଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ନମନ କରିବାର ଦିନ। ରାଜନୀତିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଲୋକତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ, ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ 26/11 ଶହୀଦକୁ ବି ସଲାମ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ପାରିବାରିକ ପାର୍ଟି ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, କିଛି ପାର୍ଟି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହାତରେ ରହିଛି। ଲୋକତନ୍ତ୍ର ହିତ ପାଇଁ ଜନତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସରେ ସଂସଦର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं, जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है।
और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए, जी नहीं, योग्यता के आधार पर जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। और आज संविधान के दिवस पर संविधान में विश्वास करने वाले, संविधान को समझने वाले, संविधान को समर्पित सभी देशवासियों से मैं आग्रह करूंगा कि देश में एक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। वास्तवतम सांविधानिक दिवस रे कांग्रेस समेत 14 राजनैतिक दल निजकु शामिल न करबा प्रसंग रे प्रतिक्रिया रखिछंती पूर्वतन मंत्री तथा वरिष्ठ बीजेपी नेता जुएल ओराम। एहाकु दृढ़ भावे निंदा करा जायछि। एहा भारत सरकारक कार्यक्रम नथिला, एहा लोकसभार कार्यक्रम थिला। संसदर कार्यक्रम रे निजकु शामिल न करबा दुखदायक विषय। सांविधानिक दिवस रे विरोधी शामिल न हेबा प्रसंग रे बिजेडी सांसद प्रसन्न आचार्य मध्य प्रतिक्रिया रखिछंती। एहार कारण मु जानि पारनी बोली से कहिछंती। किछि विरोधी दल काहेकि अनुपस्थित रहिले, एहा कोनोसी सरकारी कार्यक्रम नथिला, एहा संसदर कार्यक्रम थिला बोली से कहिछन्ते। देखन्तु आज होउछि कॉन्स्टिट्यूशन डे, एवं संविधान को सम्मान देवा, संविधान को मर्यादा देवा एवं संविधान, भारतीय संविधान प्रति पुणि थरे निजर प्रतिबद्धता को दोहरेबा पई शपथ नेबा पई आज दिवस पालन करा जाउछि। तो आज दिवस को वर्जन करिवार कोनोसी कारण मु खोजि पाइबारु नै, बा विरोधी दल माने जो जो किसी विरोधी दल तक वर्जन करार घोषणा कले, मोर जानवर तार कौन कारण से दर्शाई ना। यहाँ गोटे पार्लियामेंटर कार्यक्रम था, ये सरकार कार्यक्रम नाला, गोटे पार्लियामेंटर कार्यक्रम था, से कार्यक्रम गुरुत्व एवं महत्व निश्चित भाव रही है। ये प्रकार दिन में जो मानक आम सम्मान देवा कथा ताकु आमे विरोधी दल आकार रे बॉयकॉट करिवा, एटा तो सरकारी सभा नथिला, एटा तो सरकार डाकी नथिले, एटा तो कन्फ्यूजन रे बोधे रही जाइछन। मु जाने नै ताकर हेथु बोधे, मु जाने नै, किंतु एटा आसबने मु ताकु नापसंद करूछ। सुप्रीम कोर्ट रे कोटिया प्रसंग रे सुनानी से सासंदा जनवरी 22 रे परवर्ती सुनानी, 2022 जनवरी प्रथम सप्ताह रे वो परवर्ती सुनानी। आंध्र पक्षर वरिष्ठ आईएनजीबी निरंजन रेड्डी पक्ष रखिथिले। दुई राज्यर राजनीतिक आलोचना चलीछि, निकट रे कमिटी मध्य गठन होईछि, तेनु ओडिसा आईन अदालत मामला को रद्द करा जाउ। सुप्रीम कोर्ट एहार उत्तरे कहिथिले, आपनका आडु मामलार अवमानना होइथिबा अभियोग होईछि, जदि उभय राज्यर एहार राजनीतिक समाधान न हुए तेबे आम ओडिशा द्वारा दाखल होता अवमानना मामला पर निर्देश देवु। बदर समाधान पर आंध्र किंतु आपड़ी दुमुहा नीति। आंध्र सरकारी अधिकारी बारंबार सीमावर्ती अंचल को आसी विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करमिक नवीन जगन आलोचना दिन ही आंध्र सरकार पक्षर कोटिया धूलीपदार पलिसभा सहित जमीपटा बंटन कर। सुप्रीम कोर्ट रे कोटिया प्रसंग रे आज शुणी शेष होती, तेज कौन शुणी होती से नहीं अधिक आलोचना करवा आम सहित लीगल टीम मेंबर निरंजन साहू अच्छा सीधा साल सहित आलोचना करवा। निरंजन जी, आज का हियरिंग क्या हुआ है और कोर्ट ने क्या बोला है? आज की हियरिंग में आंध्र साइड से ये रिक्वेस्ट किया गया था कि नाउ दैट ये लोग, हम दोनों साइड जो हैं, दोनों पक्ष अपने पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने के लिए बातचीत कर रहे हैं, तो इसको जो कंटेंट पिटीशन जो हमने फाइल करी हुई है उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, उसको ख़त्म कर दें। तो जिसको हमने कंटेस्ट किया, कंटेस्ट करने पे हमने उनको बताया कि अभी जो पॉलिटिकल सोल्यूशन निकल रहा है वो अगर निकलता है तो ठीक है, और अगर नहीं निकलता है तो कोर्ट को इस पर इंटरवीन करना पड़ेगा। कोर्ट ने हमारी बात मानी, कोर्ट ने बोला है कि भाई इसको हम कंटेंट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हैं, लेट अस डिफर द हियरिंग और यू बोथ द साइड्स शुड फाइंड आउट अ सोल्यूशन विद इन अ मंथ, देयर आफ्टर इफ इन केस नो अग्रीमेंट इज रीच्ड देन द कोर्ट विल टेक इट take into consideration whether they have violated the already a political solution ke liye committee formation ho chuka hai to isliye andra kya chahta tha contempt of court matter ko dispose of karne ke liye we should not comment like that because we are having a discussion with them so the discussion should take place in a very conducive and very peaceful environment, there should not be any hostility in that keeping that aspect in view
आई डोंट थिंक आई शुड कमेंट ऑन दैट एंड वी शुड नॉट ऑल्सो कमेंट कि वो क्या कर रहे थे, नहीं चाह रहे थे। उन्होंने अपनी तरफ से डिस्पोज ऑफ कराने की कोशिश करी, हमने उसको मना किया, कोर्ट ने हमारी बात मानी। उड़ीसा गवर्नमेंट का और स्टैंड क्या था? हम तो यही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सोल्यूशन हम निकाल ही रहे हैं एंड वी शुड गिव। देखिए, सीधे लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पॉलिटिकल सोल्यूशन निकल रहा है तो अच्छी बात है। वाई वी शुड पुट आर सेल्व इन अ सिचुएशन वेयर वी हैव टू फाइट बिकॉज बोथ आर नेबरिंग स्टेट्स। आई डोंट थिंक पॉलिटिकल सोल्यूशन वुड बी द बेस्ट थिंग पॉसिबल। तो अगला हियरिंग कब है? फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2020। तो ये फर्स्ट वीक तक अभी टाइम जो मिला है उसमें पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात की जाएगी आगे? वो लोग कर ही रहे होंगे, मतलब आप लोग मान के चलिए कि जो कमेटी बनाई है, कमेटी कुछ ना कुछ काम कर ही रही है। अब ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में तो आगे डिस्कस नहीं होंगी, तो जब सारी चीज़ें जो कर रहे हैं लोग उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। दे आर वर्किंग इट। इफ़ चीफ मिनिस्टर ऑफिस इज इन्वॉल्व, बोथ द ऑफिस ऑफ द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा एज वेल एज ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, दीज ऑफिस आर इन्वॉल्व, दैट मीन्स दिस हैज बीन टेकन एट द हाइस्ट प्रायोरिटी। थैंक यू। पूर्व शुणाणी में मान्यवर कोर्ट कही पॉलिटिकल सल्यूशन बाहर करने पुणि थे मान्यवर कोर्ट ताकू ही बरकरार रखिंट कहीं आगामी शुणाणी जो हम से पर्यटन गोटे टाइम मिली पॉलिटिकल सल्यूशन बाहर करने। ऑलरेडी ये प्रसंग में कमिटी फर्मेसन होती, तेज कमिटर किभली ढंग से बैठक होती, आंध्र कौन स्टाण रखुच्छी, ओडिशा गवर्नमेंट किभली भाव निजर पक्ष रखुच्छी कमिटी मीटिंग बर्तमान सीधासल सुप्रीमकोर्ट पर कमिटी बैठक उपर रही, तेज आगामी शुणाणी पर्यंत पॉलिटिकल सल्यूशन बाहर ना पुणि थे आगामी शुणाणी में आउ गोटे जो कंटेम्प्ट कोर्ट अच्छी आईन अदालत मामला अच्छी तार शुणी होती निश्चित भाव राज्यवासी नजर रही। नूआदिल्ली कैमेरा पर्सन आदित्य सहित गगन अर्गस न्यूज। खलिकोट पुलिस को सफलता। खलिकोट पुलिस चोरी अभियोग में रीना साहू नामक जड़े महिला को गिरफ्त करने सहित निकट आनुमानिक 5 लाख टंकार सुना अलंकार जबत कर गिरफ्त। रीनार घर पुलसरा थाना अंतर्गत चढ़ियापड़ा गांव में जमापड़ 2017 मसीह से प्रेमिक सहित मिसी निज स्वामी को हत्या कर जेल जाता। जेलु फेर पर विभिन्न स्थान में लोकों टार्गेट कर विभिन्न आपराधिक कार्यकलाप लिप्त रहा सहित चोरी काम कर जबत होता सुना अलंकार खलिकोट थाना अंतर्गत विक्रमपुर ग्रामर निरुपमा साहूंकर बोली जना पड़छे। सिमिलिपाल आरंभ है बाघ गणना। कोर और बोफोर एरिया सहित सिमिलिपाल पाददेश में बाघ गणना होउछि। कैमेरा बाघर पादचिन्ह और अन्यान्य आनुषंगिक सरकारी नियम अनुजाई गणना कार्य हो चारिटी पर्यायर बाघ गणना हो। आज करंजिया वनखंड में बाघ गणना आरंभ होउछि। यह 7 दिन पर्यंत चलिबो। जी आम गोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करूँ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन एबे जो स्टार्ट हबो से सो टाइगर एस्टिमेशन रे आमे अर्लियर जो यूज करूँ से मेथड पगमार्क आम ये करूँ बट एबे इम्प्रूव टेक्नोलॉजी आसी आमे एबे कैमरा ट्रैप बसिबू। कैमरा ट्रैप रे केते फोटो आसिबू से फोटो आम एन टी सी ए को पठेबू। एन टी सी ए कैलकुलेट करके आमको कहे कितने टाइगर सक्सेस अच्छे दिल्ली से सब रिजल्ट बाहर। और एबे नेक्स्ट वीक आम ट्रेनिंग प्रोग्राम जो सेंसस प्रोग्राम एक्चुअल आरंभ करुचु से सेंसस रे ट्रांजाक्ट सर्वे करूँ और साइन सर्वे करूँ। नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी रो जो एक्सपर्ट लोक अच्छा बाटनी रे स्पेशलिस्ट अच्छा और वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट अच्छा से मैंने भी जॉइन कर वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एनजीओ तरफ भी लोक हमको सपोर्ट दे। सो नेक्स्ट वीक 3 डेज ट्रांजाक्ट सर्वे 3 डेज साइन सर्वे आम कर और कंटिन्यूस 45 डेज आम कैमरा ट्रैप बसबू। सो कितने भी फोटो आसो से फोटो पूरा आम एन टी सी को पठेब। जिजुमरारे निर्माणाधीन हॉकी स्टेडियम को नहीं विधायक और खेलाड़ी मध्य तुतु मेमे। विधायक रोहित पुजारी कहले स्टेडियम को नहीं राजनीतिकरण हो विधायकों खेलाड़ी प्रश्न किए राजनीति कला विधायक केबे दिन आसी स्थिति परखिंट कि दीर्घ 4 वर्षर ऊर्ध समय हो। संबलपुर जिजुमरारे हॉकी स्टेडियम निर्माण होर्माण कम विलंब होगा सहित आसवा हॉकी टर्फ हॉकी टर्फ नष्ट जहाँ को नहीं जुजुमरा अंचल शताधिक हॉकी खिलाड़ी एक विराट राली करी संबलपुर जिलापाल दाबीपत्र प्रदान करते तेरे खिलाड़ी एभली प्रतिवाद को नहीं विधायक रोहित पुजारी स्टाडियम को नहीं राजनीतिकरण कर फायदा नहीं खिलाड़ी विधायक प्रश्न कले कि राजनीति कला निज निर्वाचन मंडल में स्टाडियम निर्माण हो विधायक दिन हेले देखि ना खिलाड़ी अभियोग कर विजु जनता दल सरकार कि लोक अच्छा पंचायत निर्वाचन आसला तार राजनीतिक फायदा ना लगे चिंता करूँ कि लोक जान स्पष्ट भाव में यहाँ मानव मुख्यमंत्री भेटीए
जुजुमरावासी एवं सम्बलपुर जिलावासी को आउ एटा आके काम जो सर्वा सब जानवे आछनका तो मुझे कही ना सब आज्ञा बहुत दुखर विषय कि इटा राजनीतिकरण करमर स्थानीय विधायक तथा तो राज्य सरकार उपमुख्य सचेतक कौन बहुत दुखर विषय आज्ञा आउ गोटे पदवी से सकते कही आपड़ बोधे से देखी ना आम गणमाध्यम शुणिलु कि से कहले केबे हम मत जाना ना बहुत दुखर विषय आज्ञा जदि स्थानीय विधायक जाणी ना राज्य सरकार रेड़ाखोल अंचलवासी प्रति यहाँ हॉकी स्टेडियम जदि भेटी आ स्थानीय विधायक जाणी ना कि यार संपूर्ण कार्य केबे शेष हम आ हॉकी खिलाड़ी से केबे हॉकी खेलिबे ताटू आ दुखर विषय किछि नै। पुणि जलेश्वर लुट डिकी भांगी लुटिने लक्ष टंका जलेश्वर थाना ठारु मात्र 100 मीटर दूर हाट छकु 1,00,000 टंका लुट होता अभियोग जमी रजिस्ट्री करने को आसी घर को फेर समय हाट छक निकट में एक मिठा दुकान सम्मुखें छिड़ा मिठा खावाई जाते चुरुमारा ग्रामर अनुज साहू मात्र कई मिनट मध्य डिकी भांगी 1,00,000 टंका चोरी हो जाएगी। लुटर शिकार होता व्यक्ति जनक सिंगला थाना चुचुमारा ग्रामर अनुज साहू खबर पाई जलेश्वर पुलिस घटनास्थल में पहुंची छानबीन आरंभ कर। समय बुलेटिन को रखा नमस्कार।